बारह में था 3 जने कोरोना संक्रमित, संक्रमित के संख्या 14 से 1 पुगल। रौतहट में प्रहरी ऊपर आक्रमण करे वाला वार्ड अध्यक्ष गिरी पकड़ाओ। 12 जिले के केंद्र सरकार के तरफ से 5 अरब बजट मिलल। जेठ 21 गते निजी विद्यालय में सामाजिक दूरी सहित विद्यार्थी भरना शुरू। WHO से संबंध समाप्त भले ट्रंप के घोषणा और लाइव रिपोर्टिंग के क्रम में CNN के पत्रकार पकड़ाओ। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बारह में आज 3 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। बारह के प्रमुख जिलाधिकारी रुद्र प्रसाद पंडित के अनुसार सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के 18 वर्ष आ 35 वर्ष के तथा स्वर्ण गांव पालिका के हरदिया के एक पुरुष में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के संक्रमण पुष्टि भइल दुनू व्यक्ति भारत से आके किशनपुर स्थित मदरसा क्वारंटाइन में रहत रहने। उक्त क्वारंटाइन में 37 जने के PCR परीक्षण कैल गेल आ उ मध्य 2 जने में संक्रमण पुष्टि भइल। सिमरौनगढ़ नगर पालिका के स्वास्थ्य प्रमुख भोजेंद्र चौधरी जानकारी देनी। 12 में संक्रमित राख के इलाज करे के आइसोलेशन कक्ष खाली न भइला से उ लोग के बीरगंज स्थित गंडक कोविड अस्पताल ले जाए के तैयारी हो रहा वहाँ के बतैले बानी। पिछले 24 घंटा में थप 181 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इस संगे कुल संक्रमित के संख्या 1401 पुगल बाटे। अभी तक 6 जना के मृत्यु भइल बाटे त 219 जने ठीक भइल बानी। रौतहट में प्रहरी टोली ऊपर आक्रमण कैल आरोप में 1 जने वार्ड अध्यक्ष के प्रहरी पकड़ाऊ कैले बाटे। आक्रमण के आरोप में रौतहट के गुजरा नगर पालिका 4 के वार्ड अध्यक्ष पवन राजगिरी के प्रहरी पकड़ाऊ कैले बाटे। भारत के विभिन्न शहर से गुजरा आयल 78 जने के उप मेयर रोशन खातून सिमरा भवानीपुर क्वारंटाइन में ले जाएला खोजला बेरिया वार्ड अध्यक्ष गिरी से माबी कनकपुर में ले जाए के परी कह के आड़ान कैले बाद काल संझे विवाद शुरू भइल रहे। बीपे के साझे आयल उ लोग के काल संझिया सिमरा भवानीपुर स्थित क्वारंटाइन में ले जाए के क्रम में उप मेयर शेख आ वार्ड अध्यक्ष गिरी बीच कहा सुनी भइल। स्थानीय शेख बदरुद्दीन जानकारी दिले बानी। जिला प्रहरी प्रवक्ता DSP भरत श्रेष्ठ के अनुसार प्रहरी भीड़ न करेला आ सिमरा भवानीपुर क्वारंटाइन में बाहर से आयल सब के ले जाएला कहला बाद वार्ड अध्यक्ष पवनराज गिरी पक्ष के लोग प्रहरी टोली ऊपर पथल प्रहार शुरू कैले रहे। आक्रमण में इंस्पेक्टर शाह के दहिना हाथ में चोट लागल आ मोबाइल समेत फूटल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिले बानी। प्रहरी ऊपर आक्रमण कैल आरोप में वार्ड अध्यक्ष गिरी पकड़ाऊ पड़ल आ 1 जने दोसर फरार रहल वहाँ के बतैनी। गिरी अभी जिला प्रहरी कार्यालय गौर के नियंत्रण में रहल आ घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहा। जिला प्रहरी प्रमुख SP रविराज खड़का के कहना रहल बाटे। इससे पहले रौतहट के इस नाथ मौलापुर आ कटहरिया में प्रहरी टोली ऊपर विभिन्न बहाना में आक्रमण भइल रहे। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 के खातिर 12 जिला के 5 अरब सरकार से बजट दिया गई बाटे। बीतल बीफे के अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतीवाड़ा से प्रस्तुत कैल आए वाला वर्ष के बजट अनुसार 12 के 16 स्थानीय तह के खातिर 5,34,79,00,000 रुपया विनियोजन कल गेल बाटे। जना मध्य कलेव महानगर पालिका के सबसे ज्यादा 75,55,00,000 आ सबसे कम परवानीपुर गांव पालिका के 19,36,00,000 विनियोजन कल गेल बाटे। जिला के दूसरका उप महानगर जीतपुर सिमरा के 71,62,00,000 विनियोजन कल गेल बाटे। महागढ़ी माई कुलबी या निजगढ़ नगर पालिका के खातिर क्रमशः 40,39,00,000, 36,06,00,000 आ 35,21,00,000 बजट विनियोजन भइल बाटे। ऐसे ही सिमरौनगढ़ नगर पालिका के 35,57,00,000 आ 75 नगर पालिका के 29,25,00,000 मिलल बाटे। 9 गाँव पालिका मध्य सबसे ज्यादा देवताल के 27,26,00,000 मिलल बा। अर्थ मंत्रालय से आये वाला आर्थिक वर्ष के खातिर करियामाई गाँव पालिका के 25,70,00,000, परसौनी गाँव पालिका के 25,29,00,000, सुवर्ण गाँव पालिका के 25,22,00,000, आदर्श कोतवाल गाँव पालिका के 25,11,00,000 आ फेटा गाँव पालिका के 24,19,00,000 विनियोजन कल गेल बाटे। ऐसे ही बारागढ़ी या विश्रामपुर गाँव पालिका के क्रमशः 22,80,00,000 आ 21,76,00,000 बजट मिलल बा। रौतहट के विभिन्न स्थानीय तह से निर्माण कैल क्वारंटाइन में रहे वाला शंकास्पद रोगी के संख्या अभी तक के सबसे ज्यादा यानी कि 6,000 के पार भइल बाटे। भारत के विभिन्न शहर से आयल सबके संख्या संगे रौतहट के क्वारंटाइन में रहे वाला शंकास्पद रोगी के संख्या अचानक वृद्धि भइल बाटे। कोरोना वायरस के उच्च संक्रमण देखल गेल भारत से आए वाला सबके 14 दिन तक अनिवार्य क्वारंटाइन में रहेला। जिला के विभिन्न स्थान में 6,583 बेड के क्वारंटाइन निर्माण कैल गेल बाटे।
परसा के सखुआ परसौनी गाँवपालिका में दू जने कोरोना पॉजिटिव में पुष्टि भइल बाटे। नारायण अस्पताल के पीसीआर रिपोर्ट में सखुआ परसौनी गाँवपालिका के दीप नारायण मावी के क्वारंटाइन में रहल एक जने 60 वर्षीय पुरनिया आ 18 वर्षीय युवक में पॉजिटिव देखल गई। सखुआ परसौनी गाँवपालिका के स्वास्थ्य संयोजक राजेश रोनियार जानकारी देनी। संक्रमित दोनों जने के कुछ दिन पहले मात्र भारत से आके गाँवपालिका के क्वारंटाइन में रहत रहनी। संक्रमित की दोनों जने के अस्पताल पहुँचाओल गई बाटे। संपर्क में आयल सबके खोजी कार्य हो रहा। स्वास्थ्य संयोजक रोनियार जानकारी दिलवानी। आज सवेरे पानी संगे पड़ल ठनका ला के परसा में एक जने के मृत्यु भइल बाटे आ दूसरे एक जने घायल भइल बानी। परसा के परसागढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बगौरवा निवासी 42 वर्षीय रामबाबू महतो नुनिया के मृत्यु भइल बाटे। अपने घर से पश्चिम के तरफ आम के बगीचा में काम करत बेरिया ठनका ला के घटनास्थल में उनकर मृत्यु भइल बाटे। मृतक के लाश पोस्टमार्टम खातिर बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में भेजल गई। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौली जानकारी दिल बाटे। साथे घायल भइल दूसरे एक जने स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में इलाज बाद घर लौट चुकल मानी। आर्थिक वर्ष 2017-18 के खातिर सरलाही जिला के खातिर 6,16,32,00,000 रुपया बजट विनियोजन भइल बाटे। बीफे के संगे सरकार के अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा से सार्वजनिक कैल गेल बजट में 9 गाँव पालिका 11 नगर पालिका सहित 20 गो स्थानीय तह भइल सरलाही में सामान्यकरण अनुदान सशस्त्र अनुदान विशेष अनुदान आ सम्पूरक अनुदान करके जमा 6,16,32,00,000 रुपया बजट विनियोजन भइल बाटे। जिला में सबसे ज्यादा बजट प्राप्त करे वाला नगर पालिका में लालबंदी पड़ल बाटे। लालबंदी नगर पालिका के खातिर 52,50,00,000 बजट विनियोजन भइल बाटे। सबसे कम हरिपुरवा नगर पालिका से 25,63,00,000 बजट प्राप्त कइल गेल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा से संसद में MCC अनुमोदन न भइला तक ओकरा अंतर्गत के काम सब रोके के निर्णय कैले बाटे। आज दुपहरिया बैठल नेकपा सचिवालय बैठक से MCC समझौता बारे प्रस्ताव संसद में विचाराधीन रहला से अनुमोदन न भइला तक उ अंतर्गत के काम सब रोके के निर्णय कैले। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देनी। वहाँ के प्रधानमंत्री से संसद में जानकारी करावल अनुसार समझौता पास होके वही अनुरूप होके के आपास न भले में सरकार से आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारे सोच के बतैनी। वहाँ के MCC के बारे में पार्टी से गठन कैल कार्यदल से दिहल प्रतिवेदन के आधार में जल्दी सचिवालय के बैठक में आवश्यक निष्कर्ष में पुगे के समझदारी बनल बतैनी। सचिवालय बैठक में अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली आ स्थायी कमेटी सदस्य भीम रावल भी सहभागी रहनी। बैठक में अर्थमंत्री खतिवड़ा से बजट में MCC काहे समावेश कल गल कह के बारे प्रश्न कैले रहनी। सरकार से नीति तथा कार्यक्रम आ बजट में इस शैक्षिक सत्र के पठन पाठन वर्चुअल आ ऑनलाइन विधि से आगे बढ़ावे के उल्लेख भइल बा। आदि निजी विद्यालय से इहे जेठ 21 गते से सामाजिक दूरी सहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरू करे वाला भइल बाटे। निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन, राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन एन पैप्सन, राष्ट्रीय अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन इस्टू लगायत के संस्था सब आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके उक्त जानकारी देले बानी। उक्त संस्था से प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से ये जेठ 13 गते राष्ट्र के नाम में भइल संबोधन में नया शैक्षिक सत्र अंतर्गत के पठन पाठन संचालन के काम आगे बढ़ावे के घोषणा कैला से बंदाबंदी बाद परिवर्तित संदर्भ में सामाजिक दूरी कायम रख के विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरू करेला अपन शिक्षक तथा कर्मचारी सबके उपस्थिति कराए वाला भइल बाटे। लेकिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय इ बारे कोनो निर्णय कैले नइखे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संगे संबंध समाप्त भइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कैले बानी। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलत गइल कोरोना वायरस के रोकथाम नियंत्रण में WHO असक्षम भइल आ उ चीन के मात्र पक्ष पोषण कैल आरोप लगावत। WHO संगे के अमेरिका के संबंध सभे समाप्त भइल वहाँ के बतावल समाचार संस्था CNN जानकारी दिल बाटे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले WHO से चीन के समर्थन कैल कहत उ ऊपर सहयोग रकम कटौती करके घोषणा कैले रहनी। चीन WHO के खुद से सहयोग करके बतावत आयल बाटे। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN के एक पत्रकार के प्रहरी लाइव रिपोर्टिंग के क्रम में ही पकड़ाव कैले बाटे। मिनियापोलिस में हो रहल प्रदर्शन के समाचार संप्रेषण कर रहल बेरिया उनका के पकड़ाव कैल गेल बाटे। जॉर्ज फ्लॉयड नाम कैल अश्वेत व्यक्ति के प्रहरी हिरासत में ही निधन भले बाद मिनियापोलिस सहित अमेरिका के विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहल बेरिया लाइव रिपोर्टिंग कर रहल CNN के पत्रकार ओमार जिमिनेज के प्रहरी पकड़ाव कैले रहे। स्थानीय समय अनुसार काल सवेरे टेलीविजन में प्रत्यक्ष प्रसारण कर रहा पत्रकार जिमिनेस के पकड़ाव कैला बाद के कुछ ही देर में छोड़ल गेल रहे।
अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के बीके न्यूनतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 32 दोपहर 39 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कैल गई बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:11 में बेर उगल है तो संगे 6:53 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। बारह में थप 3 जने कोरोना संक्रमित, संक्रमित की संख्या 14 से 1 पुगल। रौतहट में प्रहरी ऊपर आक्रमण करे वाला वार्ड अध्यक्ष गिरी पकड़ाऊ। 12 जिला के केंद्र सरकार के तरफ से 5 अरब बजट मिलल। जेठ 21 से निजी विद्यालय में सामाजिक दूरी सहित विद्यार्थी भरना शुरू। WHO से संबंध समाप्त भले ट्रंप के घोषणा आ लाइव रिपोर्टिंग के क्रम में CNN के पत्रकार पकड़ाओ। बारा जिला के सिमरनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।